हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे फर्स्ट ब्लॉग पे। तो मेरा ये छोटा सा ही ब्लॉग है। तो मैं अभी रेलवे स्टेशन पर आ गई हूँ। हमारे सिटी से मुझे नागपुर की तरफ जाना है। तो देखिए 8:30 बज चुके हैं, अभी महाराष्ट्र ट्रेन का टाइमिंग है ये। तो हम आ गए हैं, अभी हमें टिकट निकाल लिया और अभी हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अभी हमको उधर साइड जाना था, पुलिया के 3rd नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है, तो हम पुलिया चढ़ के उधर साइड जाते हैं। आ गए हैं हम पुलिया चढ़ के इधर साइड। अभी नागपुर के लिए ट्रेन मिल गई थी, ट्रेन में बैठ कर हम यहाँ पे आ गए हैं 2 से 3 घंटे में। ट्रेन में बिल्कुल जगह नहीं थी वीडियो शूट करने का, इसलिए शूट नहीं किया। अब देखिए नागपुर रेलवे स्टेशन से मैं बाहर की तरफ निकल चुकी हूँ। ये बाहर का साइड है, ये एक साइड वाली गेट है मेन, उधर साइड वाली भी उधर है। तो ये देख सकते हैं हल्दीराम की ट्रेन भी इधर लगी हुई है, और हमने कुछ लिया नहीं, बट देख लो हल्दीराम से कुछ लिया नहीं हमने। ये रेलवे स्टेशन है नागपुर का, यहाँ से हमने लिया ऑटो और हमें जहाँ पर जाना था वहाँ के लिए मम्मी और मैं हम दोनों चल पड़े। ये देखिए हमारा आ गया है स्टॉप, तो यहाँ पर हम उतर गए और हम चल रहे हैं पैदल पैदल बर्थडे की तरफ। तो हमें थोड़ी फर्स्ट शॉपिंग करनी थी, कुछ कुछ चीज़ें खरीदनी थी, कुछ चीज़ें देखनी थी। हम आ ही गए हैं तो दूसरे पर्पज़ से नागपुर के लिए, तो हम सोचे कि बर्थडे भी घूम लेते हैं। एक्चुअली हमें जाना था दूसरी जगह, बट हमारा काम होने के लिए टाइम था, इसलिए हम घूमने के लिए आ गए हैं। तो चलिए, ये मेन गेट है, यहाँ से हमें चलना है आगे आगे। अभी सुबह का टाइमिंग है, सुबह के 11 बजे, तो दुकानें इतने लगी नहीं थी। आपको जब भी जाना है 12:30 के बाद ही जाना। ये देखिए यहाँ पे मूर्तियाँ कितनी सुंदर सुंदर है, भगवान जी की मूर्तियाँ। ये स्टोर ये बड़ा सा है, और एक बात बता दूँ कि यहाँ पे बहुत कम रेट में नहीं मिलता है सभी चीज़ें, और बट अच्छी मिलती है, हाई रेट में मिलती है पर अच्छी भी मिलती है। देखिए ये बैग की दुकान है, यहाँ से मैंने कुछ बैग्स देखे, ख़रीदा कुछ भी नहीं। अभी झुमकों की दुकान में आ गए हैं, और ये 50 रुपीज़ के हैं। मैंने यहाँ पे भैया से भी पूछा था, भैया कितने कितने हैं? 50 रुपए कोई भी, कोई भी 50 साल उधर वाला भी बड़ा वाला। काफी प्यारे प्यारे झुमके हैं ये। अभी हमने झुमके देखे, अभी हम देखते जूतियाँ। तो देखिए रेट भी मैं पूछ लेती हूँ भैया से यहीं पर। कितने वाले हैं अंकल? ये 150 वाले हैं, 200। ये 150 वाले हैं पूरे, और ये 200 वाले। बट मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। अब आ गए मैं स्टॉल की दुकान के पास में, यहाँ से स्टॉल काफ़ी अच्छे लगे मेरे को स्टॉल। तो ये सभी 50 का एक था, जो छोटे छोटे हैं, बाकी सब 150-100 के रेंज में है। देखिए यहाँ पे इयरिंग्स का कलेक्शन इतना सुंदर है ना, ये थोड़ा सा महंगा है, 200-250 वाले इयरिंग्स है यहाँ पर काफ़ी लेटेस्ट वाले हैं। आप लोग ज़रूर जाइएगा बर्थडे में एक बार तो भी शॉपिंग करने के लिए। बहुत सस्ता नहीं मिलता है, पर उसी रेट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो देखिए चप्पल के स्टोर पर भी मैं आ गई, और ये चप्पल मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इसको ट्राई करा कि मेरे पैरों के ऊपर मैं कैसी दिखती, ये है थी 250 के आसपास थी। बट मुझे है ना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, मुझे है ना पैसे बचाने थे, क्योंकि मुझे जहाँ पर जाना था ना वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले थे मुझे। मैं कहाँ पर जाने वाली हूँ इसका भी ब्लॉग मैं अलग से शूट करने वाली हूँ, तो आप उसे भी देखना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये मिस्टेक हुई होगी, मैं उसे नेक्स्ट टाइम से अच्छे से कर सकूँगी। यहाँ पर देखिए हेयर एक्सेसरीज़ की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है, ये सभी 150-150 के रेंज में हैं। और क्लेचर वगैरह, क्लिप्स, पॉनिटर्स, टिकली, बहुत सारी चीज़ें, फैंसी आइटम की तो कमी ही नहीं है, वैरायटीज़ बहुत मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ से भी कुछ कुछ देख लिया और फिर हम निकल पड़े आगे की ओर। तो देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सेकंड स्टॉप में। तो यहाँ पे देखिए मेरे को है ना ये हील्स, पिंक कलर वाली जो हील्स थी ना काफ़ी अच्छी लगी, ये वाली 550 की बोले थे भैया ने, कितने की? और देख सकते हैं मेरा दिल तो इसी पे आ गया, पर मुझे ख़रीदना तो था नहीं, बट फिर भी मैं देख रही थी, घूम रही थी, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम था। और ये जो थी ना वो 350 वाली थी, ये भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को 350 में, और मेरे को लेना रहता ना मैं पक्का वही वाली लेती, और थोड़ा कम ज़्यादा भी कर देती, जैसे 350 बोले तो 300 तक के आराम से मेरे को दे देती वो वाली, और 550 बोले तो 500 तक के दे देती। ये भी हील्स है, इसका पर थोड़ा डिज़ाइन मतलब अभी लेटेस्ट में नहीं है, बट है। देखिए ये जो ट्राइगर प्रिंट वाली होती है ना, वैसे भी हील्स थी यहाँ पर, और इस दुकान में है ना सभी न्यू फैशनेबल वाली थी, मगर तो काफ़ी अच्छी लगी। ये ठेले पे ही रहती है दुकानें सारी। ये देखिए ये कितना मस्त डिज़ाइन है, और है ना बहुत सारे मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लगे हील्स।
तो देख सकते हैं आप लोग। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी चीज़ें अच्छी लगी। देखिए सबसे फर्स्ट वाला जो रो है ना, उस वाली जो हील्स है ना वो काफ़ी अच्छी थी, ऊपर वाली 3rd-4th नंबर की बहुत प्यारे प्यारे हील्स हैं यहाँ पर। तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा अगर आपको परचेज़ करना है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हील्स भी यहाँ पर है, ये यहाँ पर ड्रेसेस भी है, ड्रेसेस बहुत अच्छे अच्छे कीमत में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं यहाँ पर है ना। मैंने मेकअप का भी सामान देखा है, देख सकते हैं ये 250 वाला बोल रहा था, कोई 200 वाला, कोई 300 वाला, और जो प्राइमर था ना वो तो 150 में देने के लिए रेडी था मैक का, बट ये फेक होते हैं, रियल ब्रांड वाले नहीं होते, बट काम चलाने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने मेकअप के प्रोडक्ट तो यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा, सब कुछ मेरे पास था, प्राइमर नहीं था पर नहीं खरीदा। हमारी शॉपिंग हो गई है, नागपुर से हमारे गाँव के लिए बैठ चुके थे, ट्रेन में पहुंच चुके हम लोग। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।